नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम रिलेटेड एग्रीगेट्स भी कहते हैं जो कि इकोनॉमिक्स एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं तो और वो डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं नेशनल इनकम एस्टिमेट्स में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं और कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए इन सब बेसिस पर जो है जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है फिर रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं वो आठ टाइप में डिवाइड किए जा सकते हैं जी डी पी जी एन पी एन डी पी एन एन पी अब इसको जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इस तरीके से करते जाएंगे तो, तो टोटल एट एग्रीगेट्स आपके पास हो जाएंगे तो उन सभी को एक एक करके हम देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी एट एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स बन रहे हैं उसकी जो भी वैल्यू है उसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब कि मार्केट वैल्यू कितनी है फाइनल गुड्स की जो भी एक डोमेस्टिक टेरेटरी में बन रहे हैं अब इंडिया में है तो इंडिया में एक लाख मोबाइल बने हैं तो एक लाख मोबाइल की जो मार्केट वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे जी एट एम तो मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग इयर एक अकाउंटिंग इयर में एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स तैयार हुए हैं उसकी जो भी मनी वैल्यू मार्केट वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं तो यहां परवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये सारी चीजें किस में आ जाती है जीडीपी में आ जाती है क्लियर यानी कि जो हमने एक्सपोर्ट किया है लेकिन उसमें से जो भी हमने इंपोर्ट करवाया वो माइनस

तो जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे जो भी आपका जी डी पी एट मार्केट प्राइस है उसमें से आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ भाई आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं जो फैक्टर कॉस्ट आती है उसमें जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो प्रोडक्शन टैक्स देते हैं तो आपका जो है बेसिक प्राइस हो जाता है फिर जब आप प्रोडक्ट का टैक्स देते हैं तो फिर वो क्या होता है मार्केट प्राइस हो जाता है तो ये टैक्सेस जो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं इसको क्या कर देना माइनस कर देना जो भी सब्सिडीज आपको मिला है उसको एड कर देना है तो ये आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा तो सिंपल सा फॉर्मुला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इन नेट इन डायरेक्ट टैक्सेस तो आपका क्या है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा क्लियर तो अब देखिए यहां पे क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जितने भी आपके पास फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी जो भी मॉनेटरी वैल्यू फिर मार्केट वैल्यू है क्लियर अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं ना जो डेप्रिसिएट हो जाती हैं बहुत सारी चीजें हैं जो टीयर वियर हो जाता है लॉस हो जाता है मशीन खराब होती है घिसती है तो उसको हमने डेप्रिसिएट किया ही नहीं बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो uh, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में टूट जाते हैं फूट जाते हैं तो उसको हमने क्या किया उसको डेप्रिसिएट किया ही नहीं है में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उन सबको इंक्लूड कर लिया गया है तो जब आप जो भी चीजें टूटी फूटी हैं, डिप्रिशिएट हुए है, उसको जब आप माइनस कर देते हो ना तो आपको क्या आ जाता है नेट आ जाता है तो अब आएगा क्या एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्लियर जीडीपी आपने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड नहीं किया है जब आप डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपके पास क्या जाता है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसा फॉर्मला होगा सिंपल सा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से आप क्या करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा क्लियर अब अगला टर्म क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जिसको हम क्या कहते हैं डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट फैक्टर पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है तो कैसे निकलेगा सिंपल सा फॉर्मुला है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस यानी कि जो ऊपर आप देख रहे हैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेज माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट टैक्स है और प्रोडक्शन टैक्सेस है इसको आप माइनस कर देंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से

जीएनपी जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस हम यहां देखेंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो ये क्या होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है यानी कि यहां पे क्या होगा सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी तक क्या होता था जीडीपी में कि जीडीपी में आप जो है अपने डोमेस्टिक ट्रेडरी के अंदर चाहे वो अपने कंट्री के लोग बना रहे हो चाहे वो बाहर के कंट्री के लोग हमारे यहाँ के बना रहे हैं तो उसको हम इंक्लूड करते थे लेकिन आप एक बार बताइए जो बाहर के लोग आके हमारे कंट्री में बना रहे हैं वो हमारे यहाँ का पैसा तो अपने यहाँ लेके चले जाएंगे ना से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे यहां रहते तो हैं रेजिडेंस है इंडिया के लेकिन वो बाहर जाके बाहर कमा के हमारे यहां पे पैसा लेके आ रहे हैं तो उसको हम इंक्लूड करेंगे यानी कि जो हमारे यहां से पैसा लेके चले जा रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर देंगे जो हम बाहर से हमारे यहां पैसा लेके आ रहे हैं उसको हम इंक्लूड कर लेंगे तो वही चीज क्या हो जाती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाती है क्लियर तो सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या हो गया कि इनकम अर्न बाई इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंस इन इंडिया बाहर के लोग हमारे यहाँ जो कमाके लेके चले गए उसको माइनस कर देंगे हमारे लोग जो बाहर से कमाके लाए हैं उससे प्लस नफिया यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड तो आपका क्या आ जाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा नफिया यानी इनकम अर्न बाई इंडियन रेसिडेंस फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाई नॉन रेसिडेंस इन इंडिया क्लियर इसी

आप माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाएगा जीएनपीएट फैक्टर कॉस्ट क्लियर अब अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज एन एन

नेट प्रोडक्शन टैक्सेस ये जो प्रोडक्ट टैक्सेज और प्रोडक्शन टैक्सेज है माइनस कर देंगे नेट है याद है कि यानी माइनस सब्सिडीज तो नेट है तो नेट प्रोडक्ट और नेट प्रोडक्शन को जो है माइनस कर दें एन एन पी एट मार्केट प्राइस है तो आपका क्या जाएगा एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा क्लियर या फिर वो आला दूसरा फॉमूला दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नफिया ये आपका क्या आ जाएगा एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट इसी को हम क्या कहते हैं नेशनल इनकम भी कहते हैं क्लियर तो जीडीपी यानी कि क्या हो गया जीडीपी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग में टोटल कितना गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है चाहे वो रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो चाहे वो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो उसको जीडीपी कहते हैं क्लियर जीडीपी में से जब हम डेप्रिशिए माइनस कर देते हैं तो क्या जाता है एनडीपी आ जाता है क्लियर और जीएनपी क्या होता है जीएनपी यानी कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना जो है गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है अपने रेजिडेंस द्वारा यानी कि हमारे रेजिडेंस द्वारा हमारे यहाँ प्लस बाहर से कितना कमा के लेके आ रहे हैं वो और माइनस हमारे यहाँ से कमा के जो बाहर वाले लेकर चले जा रहे हैं वो तो वो क्या हो जाता है जीएनपी हो जाता है ठीक और जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या जाता है एन आ जाता है क्लियर और फिर इन सभी को हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर मेजर करते हैं तो यही कॉन्सेप्ट और यही आठ रिलेटेड एग्रीगेट्स बन जाते हैं इसके बाद आ जाता है पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम क्या होता है देखिए पर्सनल इनकम यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम ट आर एक्चुअली रिसिव्ड बाई हाउस होल्ड यानी कि जो हाउस होल्ड होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके द्वारा वो सभी पैसा जो उनको रिसीव होता है एक्चुअली बिजनेस करके बिजनेस परफॉर्म करके तो वही चीज क्या होता है पर्सनल इनकम ये इनकम किसी भी सोर्स से होता है फ्रॉम ऑल द सोसेज इट इंक्लूड बोथ फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बेचा उससे जो पैसा आया वो प्लस ट्रांसफर इनकम यानी कि आपको कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई कोई जो है स्कॉलरशिप मिल गई कोई पॉकेट मनी मिल गया कोई रिलीफ पेमेंट मिल गया कोई ओल्ड एज पेंशन मिल गया तो वो भी जो है पर्सनल इनकम में इंक्लूड होगा पर्सनल इनकम यानी कि मेरा इनकम मैंने प्रोडक्ट बना के और उसको बेचा उससे जो पैसा पाया प्लस मुझे जो स्कॉलरशिप या फिर जो ओल्ड पेंशन मिली वो तो वो सब मिला के क्या हो? मेरा पर्सनल इनकम हो गया तो ड नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्सेज और ध्यान रखनी है कि कॉर्पोरेट और रिटर्न अर्निंग इसमें इंक्लूड नहीं होता यानी कि पर्सनल इनकम में से आप जो है कॉर्पोरेट टैक्स जो भी आपने दिया होगा प्रोडक्ट बना के बेचने में और अर्निंग जो कि आपने अर्निंग्स वो रिटर्न अर्निंग जो कि आपने कंपनी को ग्रो करने के लिए रखी है उसको एक्सक्लूड कर देंगे उसको इंक्लूड नहीं वो आपका पर्सनल इनकम नहीं होगा क्लियर तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा दैट इज पी आई इज इक्वल टू एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस रिटेन अर्निंग माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट ये हो जाएगा पर्सनल इनकम का फॉर्मुला पर्सनल इनकम यानी कि आपका इनकम तो आपका इनकम भाई कॉर्पोरेट टैक्सेस दिया वो तो हटा दोगे जो कंपनी uh, को ग्रो करने के लिए रिटर्न डर्नी रखी वो भी हटा दोगे प्लस आप जो ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है वो रखोगे रिलीफ पेमेंट अगर कोई मिला तो वो रखोगे स्कॉलरशिप कोई मिली तो वो रखोगे तो ये क्या है ये पर्सनल इनकम हो जाता है और पर्सनल इनकम से ही निकल के आता है डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि वो इनकम जो आप खर्च कर सकते हो या फिर आगे फ्यूचर के लिए अपने लिए सेव कर सकते हो अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग और सेविंग बाई हाउस or families तो ये क्या होता है आप देखिए पर्सनल इनकम तो हो गया आपने जितना भी कमाया अलग अलग सोर्सेज वो आपके पास आ गया अब क्या है अब आप टैक्स देते हो कैसा टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स कहते हैं जैसे इन, वो क्या कहें इनकम टैक्स होता है हाउस प्रॉपर्टी टैक्स हो गया वाटर टैक्स हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया तो ये सब क्या है ये सब आप जो है टैक्स देते हो जब ये टैक्स देते हो ना उसके बाद जो एक्चुअल में आपके पास पैसा बचता है वो चीज़ क्या कहलाती है डिस्पोजेबल इनकम यानी कि डी आई इज इक्वल टू पी आई माइनस पर्सनल टैक्सेज यानी कि जो भी आपको पर्सनल टैक्सेस देने हैं वो यानी डायरेक्ट टैक्सेज देने हैं वो उसको माइनस कर दीजिए पर्सनल इनकम से तो आपका डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा डिस्पोजेबल का मतलब होता है जो आप खर्च कर सको तो आप पैसा वही खर्च कर पाओगे ना जो आपके पास रहेगा जो बचेगा एक्चुअली में सारी चीजें सारी रिस्पॉसिबिलिटीज uh, खत्म करके तो इनडायरेक्ट टैक्सेज आपने दे दिए गवर्नमेंट को और जो कंपनी के लिए पैसा बचा के रखा था वो अलग कर दिया तो आपका पर्सनल इनकम हो गया उसमें से जो आपने डायरेक्ट टैक्सेज निकाल के दे दिए तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ गया यानी कि अब वो आप खर्च कर सकते हो आप चाहे उस पैसे से गाड़ी खरीदो चाहे आप जो है उसको कहीं सेविंग में लगा दीजिए दैट इज योर इनकम डिस्पोजेबल इनकम क्लियर कहीं कहीं में पर कैपिटा इनकम भी पहुंचता है तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन यानी कि सपोज करिए कि 2011 का फाइंड आउट करना है तो नेशनल इनकम फॉर 2011 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन फॉर 2011 यानी कि इन 2011 तो आपका क्या आ जाएगा पर कैपिटा इनकम आ जाएगा तो इसको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विश यू ऑल द बेस्ट की वाचिंग